गोवा में कर्लिस क्लब पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की तरफ से क्लब पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। क्लब में पार्टी के बाद सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी। कोर्ट के आदेश पर यह क्लब को गिराया जा रहा है। क्लब पर नियमों की अनदेखी का भी आरोप है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल आपको दे रहे हैं, गोवा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखेंगे किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, वहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती वहाँ पर की गई है। और ऐसे में बीच से तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, बीच से कुछ ही दूरी पर यह क्लब बना हुआ था। और ऐसे में अवैध यहाँ पर क्लब बना हुआ था, कर्लिस क्लब, जहाँ पर पार्टी की जा रही थी। और इसी में शामिल होने के लिए सोनाली फोगाट यहाँ पर पहुँची थी। और ऐसे में लेकिन अब इस क्लब को तोड़ा जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, देखिए पहले प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पर रोक लगा दी गई है। जरा विस्तार से समझाइए इस पूरे मामले को। जी बिल्कुल, देखिए गोवा का ये होटल है, वही होटल है जहां पर सोनाली फोगाट की मौत हुई थी ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से। और इस पूरे मामले को लेकर गोवा प्रशासन की तरफ से आज एक बड़ी कार्रवाई होने वाली थी। एनजीटी ने आदेश दिया था इस क्लब को गिराने का, लेकिन फौरन ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानी कि जो क्लब है, यानी कि सुनवाई तक फिलहाल गोवा प्रशासन की तरफ से कोई जैसी कार्रवाई क्लब को लेकर नहीं की जाएगी। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, ये क्लब की अगर बात करें तो सोनाली के निधन के बाद इस होटल के बारे में लोगों को पता चला था और एनजीटी की टीम पहुंची थी, क्योंकि ये आरोप था कि नो डेवलपमेंट जोन में काफी काम किए गए हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो एक्स्ट्रा कर लिया गया है, जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर भी बनाया गया है। क्लब को ढहाने का आदेश 2016 में दिया गया था, लेकिन तब से यह आदेश केवल कागजों में था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन सोनाली के मौत के बाद अचानक गोवा प्रशासन काफी सख्त दिखाई दिया और आज प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई होने वाली थी, बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। क्या कोई याचिका दायर की गई थी इसके खिलाफ कि ना ढाया जाए इसको, या फिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है ये जारी किया है? जी बिल्कुल, हिमानी, याचिका पर ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। क्लब की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने एनजीटी के आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि ये पहले से ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि ढाया नहीं जाएगा। जी, और ऐसे में फिलहाल वहां पर क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है, या फिर अब क्या कुछ अगला कदम होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक अगले कदम का सवाल है, तो अब तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गिराने से रोक लगा दिया है, यानी कि फिलहाल तो कोई कार्रवाई ढहाने जैसी नहीं होगी, क्योंकि जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि आज क्लब के ऊपर बुलडोजर चलेगा, सुबह से ही ये खबरें चल रही थी, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है तो फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई तो नहीं होगी। लेकिन देखा जाए तो नो डेवलपमेंट जोन में क्लब बनाया गया है, जो कि एनजीटी के आदेशों का सरेआम उल्लंघन करता है। तो देखना यही होगा कि इस पहलू पर जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो मुमकिन है कि कोई और आदेश आ सकता है, जिसका इंतजार करना होगा। ये भी मुमकिन है क्योंकि क्लब पर नियमों की अनदेखी का आरोप है। तो आपने बताया कि कई ऐसी जगह थी जिसे घेरा गया है और ऐसे में इलीगल है वो, तो उन जगहों को शायद तोड़ा जाए, पूरा क्लब जो है वो ढहाया ना जाए। जी बिल्कुल, यही कहा गया है, क्योंकि एनजीटी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो यही है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों का उल्लंघन किया गया है, नो डेवलपमेंट जोन में कंस्ट्रक्शन किया गया है। क्लब को ढहाने का आदेश भी ये 2016 में आया था, यानी कि काफी लंबे समय से ये मामला लंबित था और जिस पर गोवा प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, और इसी आदेश को क्लब के मालिक ने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे 6 सितंबर अगर बात करें तो इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया था। और आज इस पूरे मामले में
एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि फिलहाल ढहाया नहीं जाएगा, यानी कि जो रेस्टोरेंट बड़ी राहत सुप्रीम जी जो रेस्टोरेंट मालिक है उसको कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन सवाल ये है कि ये राहत कब तक उसके पास रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।